अरे माफ करो बाबा। माफी तो तुम अपनी अम्मी से मांगो जिसके तुमने सुबह सुबह पैसे चुराए। मैंने चोरी तो नहीं की है, मैं तो पैसे निकाल सकता हूँ, मैं तुमका बेटा हूँ। बगैर इजाजत किसी के पैसे निकालना चोरी है और चोरी की सजा हाथ काटना। आप कौन है? तुम्हारे जैसा इंसान। आप भी चोरियाँ करते हैं? नहीं, मांग लेता हूँ, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह के नाम पे कुछ क्यों? बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपको अंदर आना पड़ेगा। अंदर तुम्हारी अम्मी चोरी का पूछेंगी, सच बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, बेफिक्र रहना, मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। अपनी बहन को? आपको वो बात भी पता है? मुझे तो ये भी पता है कि चोरी करते हो तुम और शक वो अपने शौहर पे करती है। वो तो मैं उसे यकीन दिलाता हूँ ना। बहुत बुरी बात। आप फिक्र ना करें, मैं सारी बुरी बातें छोड़ दूंगा, बस आप एक दफा अंदर आ जाए, मैं आपको अपनी अम्मी से मिलाना चाहता हूँ। पहले अपनी जेब से सिगरेट निकाल के फेंको, टूट गई है। आधी पी लूंगा, बस 19-20 का ही फर्क रह गया। मी बाबा बाबा, अरे किस मलंग फकीर को घर के अंदर घुसा लाए हो, बाहर निकालो। अरे मलंग फकीर नहीं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं। सिगरेट लगा के, सिगरेट फेंकवा कर 150 दे दो, फारी करो बस। भाई हमें तो तुम निकाल दोगी, लेकिन तुम्हारी सौगन तुम्हारे शौहर को नहीं निकालेगी। क्या? देख लिया, तुम्हारे पापा को, पापा जी को। तुम्हारी सौगन तुम्हारे शौहर से सुबह शाम काम कराने के साथ साथ अपने पाँव भी दबवाती है। मी, क्या पापा आपके भी पाँव दबाते थे? हाँ, उनके जाने के बाद से मेरे पैरों में इतना दर्द होना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा। और जब सौगन का सोचती होगी तो फिर सर में भी दर्द होता होगा। अनोखा। मी, बाबा जी को सब पता है, लेकिन आपको ये सारी बातें कैसे पता बाबा? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। अम्मी की शक्ल पे तो हर वक्त गुस्सा और ताना रहता है। शट अप। बाबा जी आप बैठिए, खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, आराम से आराम से। जी बाबा जी, क्या आप हमें ये बता सकते कि इस बार कौन सी सीरीज के प्राइस बॉन्ड लगने वाले? तुमने टूटी हुई सिगरेट फेंकी या नहीं? ये तो मैंने फेंक दी थी। ये सिगरेट भी लालच की तरह होती है, इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। अगर अब तुमने सिगरेट पी ना तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगी। ये जरूर अक्की ने जेब में डाली होगी मेरे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी बहन के पैसे चुराकर उसकी जेब में डालकर उसको फंसवा देते हो। लो, मुझसे भाई अब इस घर के और काम नहीं होते। शादी से पहले इस घर में 3 मुलाजिम थे। तो तुम्हें क्या जरूरत थी शादी से पहले अम्मी को अपने औसाफ गिनवाने की कि मैं घर के सारे काम कर सकता हूँ? तो इसका मतलब तो ये हरगिज नहीं था कि सारे कामों का बोझ मेरी कंधों पे डाल दिया जाए। तुम चाहते क्या हो? एक मुलाजमा। मुलाजमा? मुलाजिम क्यों नहीं? हाँ हाँ, लेकिन वो मुलाजमा बेहतर रहती है ना। वो किस खुशी में? मैं किसी गैर मर्द को घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी तरह मैं भी किसी गैर औरत की मौजूदगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हारे साथ सारा दिन काम करेगी वो? तो फिर तुम मेरे साथ काम किया करो। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी या ऑफिस जाऊंगी? ऑफिस जाओगी तो बस, फिर खामोशी के साथ काम करो। कॉन्ट्रैक्ट में काम करने का लिखा था, खामोशी के साथ करने का नहीं लिखा था। मैं तो शोर मचा मचा के करूंगा। पागल पागल तो नहीं होगा तुम? अरे एक इंसान अकेले इतने काम करेगा तो पागल नहीं होगा? देखो कॉन्ट्रैक्ट तुमने खुद साइन किया था, मैं कुछ नहीं कर सकती। किचन में आके मेरी मदद तो कर सकती हो यार। तुम ऑफिस में आके मेरी मदद कर सकते हो? नहीं। नहीं तो फिर मैं भी नहीं आ सकती किचन में। मैं इतने बदजायका खाने बनाना शुरू कर दूंगा कि तुम लोगों को मजबूरन खानसामा रखना पड़ेगा। अम्मी बदजायके खाने खा लेंगी लेकिन खानसामा नहीं रखेंगी। अरे क्यों भाई? उसमें पैसे लगे। वो कौन से कमाती कमाती तो तुम हो। तो अम्मी को पूरे घर का खर्च मैं देती हूँ। मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ वरदा। तो तुम वो करोगे जो मैं कहूँगी। जाओ जाके किचन के काम करो, उठो। नहीं उठूंगा आज। तुम्हारा दोस्त सईद मिर्ची तुमको शीशा पिलाने अपने साथ लेके जाता है ना? क्या, कितनी बार मना किया तुम्हें, वो सड़ी मिर्ची के साथ मत घूमा करो। वो भी मोटरसाइकिल पर। अबे यार बाबा जी, मैं आपको घर पे लेकर आऊँ, आप मेरी पोले खोल ले। मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ सच बोलूंगा। इस घर में एक नौकर रहता है अक्की, प्लीज उसकी पोले खोल दे। वो नौकर नहीं है, वो तुम्हारा बहनोई है। आप प्लीज उसकी पोले खोले ना। उस यतीम बच्चे के साथ इस घर में जुल्म हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? फिलहाल तो सिर्फ स्वीट जलील हो रहा है। वरदा, ये बाबा जी बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग है, इनको सब पता है। वरदा, ये तुम्हारे पर्स से पैसे चुरा के अक्की पे इल्जाम लगा देता।
स्वीट, आपने मेरे पैदा होते ही मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? अगर मुझे पता होता कि तुम अपने बाप पे नहीं जाओगे बड़े होके, तो यकीनन गला घोट देती। अरे कैसा फरमा बरदार शौहर मेरा, उस चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया। तो बाबा जी को इसलिए वापस लाया हूँ कि वो पापा को वापस ले आए। क्या ऐसा हो सकता है? भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन लेकिन उससे पहले आप गर्मा गर्म चाय और ताजा खस्ता करारे बिस्कुट खाएं। जाओ बेटा लेके आओ जल्दी से। मैं अभी अक्की को बोलता हूँ। अक्की, अक्की, अबे पहले सुन। अक्की क्या बात है बेटा, भूख लगी है क्या? फिलहाल तो मेरे पास जूते हैं खिलाने को। क्या वर्दा ने पिटाई की है तुम्हारी? इक्तदार अली खान और बीवी से पिटे? इक्तदार अली खान अगर अपनी बीवी के जूते साफ कर सकता है तो जूते खा भी सकता है। अबे मेरे पाँव में खुजली बहुत हो रही है अभी। अरे नहीं, देखो हम दोनों की कोई दुश्मनी नहीं है, और अम्मी मेहमान के लिए चाय बनाने का कह रही है। कौन मेहमान? अब कोई बाबा जी है बहुत पहुंचे हुए हैं। ऐसी चाय बनाऊंगा कि फौरन उतर जाएंगे। कहाँ से? जहाँ पहुँचे हुए वहाँ से। मजाक मत बनाओ, उन्होंने हमारे घर की सारी बातें ठीक ठीक बताई हैं। अच्छा उन्होंने ये बताया कि तुम वर्दा के पैसे चुरा के मुझ पे इल्जाम लगा देते हो? हाँ। वर्दा के सामने बताया? नहीं नहीं अम्मी के सामने बताया। यार पुरानी बातें भूल जाओ, बाबा जी के लिए जल्दी से चाय बनाओ और फिर बाबा जी से पैसे कमाने की तरकीबें पूछेंगे। अबे जो आदमी खुद मांग रहा है वो हमें क्या बताएगा? चलो फिर भी देख लेते हैं। यही तो, वो जो भी बता रहा है 100% दुरुस्त बता रहा है। क्या वो मेरे काम का बोझ हल्का कर सकते हैं? अबे वो बाबा जी है, कोई नौकर थोड़ी है। गधे, मेरा मतलब है मेरे लिए किसी असिस्टेंट का इंतजाम कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन वर्दा मना कर देगी। वर्दा को मुझ पे रहम नहीं आता ना वैसे। लेकिन वो बाबा जरूर तुम पे रहम करेंगे। पहले मैं ये चल के देखूंगा कि कहीं दो नंबर बाबा तो नहीं है, क्योंकि मैं फालतू लोगों के लिए चाय नहीं बनाता। अरे तो मेरे लिए तो बनाओगे ना? अबे तू तो मेरी मजबूरी है। ये बात हुई ना, चलो चलो। बस बाबा जी आप ये करें कि मेरी सौकन को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दें। अम्मी आप उन्हें मरवाना चाहती हैं? मरवाने का कहाँ का है, मैं तो चाह रही हूँ कोमा में चली जाए ताकि खामोश भी हो जाए और मरे भी ना। देखें मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वो काम करता हूँ जिसमें किसी को नुकसान ना हो। अच्छा तो फिर तलाक तो करवा ही सकते है ना? बाबा जी आपकी और पापा जी की तलाक करवा रहे? वाह 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 वाह। अरे नहीं, पापा और उनकी दूसरी बीवी की तलाक हो रही है। बाबा जी आज तो खुद तो अपनी बीवी को तलाक दे नहीं सके होंगे। बात तो ठीक है, घर तो मेरा भी बर्बाद हुआ हुआ है। हाय, और उसने जो मेरे शौहर को छीन के मेरा घर बर्बाद कर दिया वो। मैं ये कर सकता हूँ कि उनको वापस यहाँ ले आऊँ। चले यही कर दे। हाँ ये ठीक है। अरे कैसे ठीक है, उस औरत को सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे आप एक दिन उनके घर गुजार कर आ जाए, वो खुद ही खुदकुशी कर लेंगी। जरा अपनी जबान में समझा। अक्की ओके बेबी, चाय बनानी ना ढोंगी बाबा के लिए, अभी बना के लाता हूँ। एक मिनट, ढोंगी बोल रहे हो आपको? बंदर बनाओ उसको। नहीं बंदर की जरूरत नहीं, पहले से है हमारे पास एक। तुमने मुझे बंदर बोला? जाहिर सी बात है अब अपनी माँ और बीवी को तो बंदर कह नहीं सकता। स्वीट मैंने बंदर तुम्हें ही बोला है, एक्चुअली तुम्हें याद नहीं है जब तुम छोटे थे ना अम्मी तुम्हें अयूबिया के दरख्त से खींचती हुई लाई थी। अम्मी अक्की चाय जी अभी लाया। अब तो ये मुझसे वो काम भी करा रहे जिनका कॉन्ट्रैक्ट में कोई वजूद भी नहीं था। मैं एहतजाज करूंगा, आवाज बुलंद करूंगा मुजालिम के ऊपर। अब उस नौटंकी बाबा के लिए चाय बनाओ। चाय बनाता हूँ मैं, चीनी के बजाय नमक डालूंगा, नमक। पापा जी कुछ मेरे बारे में भी बताइए ना। बड़ी बड़ी बड़ी। आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर हैं और आपकी तनख्वाह है 4 लाख रुपए महाना। बिल्कुल ठीक। बॉस के बारे में भी पूछो ना। अरे उस मोटे काले दयूस के बारे में क्या मालूम करना है भाई? 2 महीने हो गए बच्ची की तनख्वाह नहीं बढ़ाई उस घटिया इंसान ने। 2 महीने? अभी 2 महीने में तनख्वाह थोड़ी बढ़ती है। लेकिन मैंने बिजनेस तो बढ़ाया ना, मेरा हक बनता है। हाँ कम से कम 1 लाख तो बढ़ानी चाहिए ना तनख्वाह 2 महीने में। देखे भाई ज्यादा लालच ना करें, जितना अल्लाह ने दिया है सिर्फ उस पे इक्तफा करें। हाँ इसी पैसों की लालच में इन्होंने पापा को घर से बाहर निकाल दिया। तुम चुप करो, जाओ देखो कौन आया। अक्की देख लेगा। अब भाई बाहर जो है वो पिज्जा आया है। पिज्जा? पिज्जा? पिज्जा किसने भिजवाया है? आपके बॉस ने। मैं अभी लेकर आता हूँ। पिज्जे का नाम सुन के मुर्दार जिसमें जान आ गई फौरन। वैसे भी दरवाजे तो मैं ही खोलता हूँ, अक्की कहाँ खोलता है। लेकिन बॉस ने पिज्जा क्यों भिजवाया है? मेरा दिल जो चाह रहा था। हाँ भाई कितने पिज्जा है? सर एक एक्स्ट्रा लार्ज। बस एक? अरे एक एक्स्ट्रा लार्ज 4 आदमी खाते हैं। अरे भाई मैं अकेला खा जाता हूँ एक। सेहत से तो नहीं लग रहा भाई, कभी कभी तो 2 भी खा लेता हूँ। सर 2? सर आप ना बच्चों की जली पिज्जा खाते होंगे। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है,
सर आप बात ही ऐसी कर रहे हैं? बताओ कितना बिल है और जाओ यहाँ से। आप बिल देंगे? मैं खाते हैं तो फिर बिल भी तो देते होंगे। मैं क्यों बिल दूंगा, ये तो वर्दा के बॉस ने भेजा है ना। ये वर्दा कौन है? अभी तू पुलिस वाला है क्या? क्यों, पुलिस वाले लड़कियों को पूछते हैं? तू क्यों मेरे दिमाग की दही कर रहा है? दिमाग की दही? दही तो दूध से बनती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी ना। आप मेरे साथ आए, मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातें बता दूंगा। अबे पिज्जा दे मुझे और निकल यहाँ से। पिज्जा आपको दे दूं? तो फिर क्या फरिश्ते आएंगे पिज्जा देने? ला दे भाई मुझे। सर आप फिर मुझे टिप भी दे दे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा टिप। तुम एक काम करो, पिज्जा डिलीवरी छोड़ो और मार्केट जाके चने बेचो, क्योंकि बेटा तुम्हारी औकात नहीं है पिज्जा डिलीवरी की। कैसी थी टिप? शुक्रिया। टिप तो अच्छी थी, चने बेचकर मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। वाह वाह, गरम गरम। सुन ये पिज्जा मुझे दे दे, मैं दो दिन तक खाना नहीं बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा खाऊंगा अकेले। इतना बड़ा पिज्जा तुम अकेले खाओगे? हाँ। ठीक है खा लो, लेकिन अब एक बात याद रखना कि खाने के बाद तुम्हें मौत आएगी, ये इक्तदार अली खान उर्फ अक्की ने कहा है। अक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये और अब प्लीज मुझे कोई इस ढोंगी बाबा के लिए खाना पकाने को ना कहे। बाबा जी अक्की दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है, इसका भी कुछ इलाज बताएं ना। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, अम्मी जी की डांट और फिटकार। देखो सर कैसे कान पकड़ के अभी बाबा जी के लिए खाना बनवाती हूँ। आप लोग अक्की पे बड़ा जुल्म करते हैं वैसे। अरे नहीं नहीं, हमने तो उस पे तर्स खा के घर जमाई रखा हुआ है उसे, और 2000 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया हुआ है। ये चीज खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हाँ बाबा जी, आप अक्की की ज्यादा हिमायत ना करें। तुम लोगों के इस जुल्म की वजह से तुम्हारी माँ की जिंदगी कम हो गई है। क्या बाबा जी ये क्या कह रहे हैं आप? कम क्या हो गई, अम्मी की तो वैसी भी उम्र हो गई है। कैसा संदिल बेटा अपनी माँ के मरने की दुआएं कर रहा है। दुआ नहीं अम्मी, हकीकत बता रहा हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 55 साल 7 महीने। हाँ अब नहीं नहीं नहीं, 45 साल 1.5 महीने। कुछ भी हो अभी अम्मी की मरने की उम्र नहीं है। बाबा जी प्लीज कुछ करे ना। अगर तुम्हारी अम्मी जिंदगी चाहती है तो उनको चाहिए कि अक्की को खुश रखे, उसकी खिदमत करे, वो दुआएं देगा तो तुम्हारी अम्मी की जिंदगी बढ़ जाएगी। बस ये काम अम्मी से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं अक्की को खुश नहीं रख सकती क्या? इंसान उसको दुआ देता है जिससे मोहब्बत करता है, नफरत करने वाले को तो घास भी नहीं डालता। अरे तुम क्या चाह रहे हो, मर जाऊं मैं? देखिए जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसानों की जिंदगी बचाने का हुक्म तो दिया है ना। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन अम्मी को दुआ देगा कौन? मैं अभी जाके उससे दुआ लेके आती हूँ। हाँ ठीक है जाए, चेक कर ले, बड़ी ढीठ हड्डी है वो, मैं जानता हूँ उसको, घटिया इंसान है। तुम अक्की के बारे में ज्यादा बुरा भला मत कहो, वरना तुम्हारी जिंदगी भी कम हो सकती है। बाबा जी इसने तो उसको बहुत तंग किया, इसकी तो कुछ बची नहीं होनी चाहिए जिंदगी। मैंने तो अक्की को कभी तंग ही नहीं किया। तंग? अरे तुमने तो इतना तंग किया है उसे कि तुम्हें तो सबसे ज्यादा बददुआएं देता होगा वो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अक्की से दुआ लेके ही आऊंगी, और इसको इसको तो अक्की कभी माफी नहीं करेगा। मैं भी माफी मांग लूं? नहीं, लेकिन अब अगर तुमने अक्की से बदतमीजी की तो तुम्हारी जिंदगी भी कम हो सकती है। तौबा तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब मैं कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। नाम मत लो अपने मनहूस बाप का। मैंने नाम कब लिया? मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना सब्जी काट रहा है। ला ला मैं सब्जी काटू। अम्मी मैं अक्की हूँ, अक्की। जानती हो मेरा बेटा है अक्की हो, लेकिन तुम पे कामों का बहुत ज्यादा बोझ है। ला अब ये सब्जी मैं काटू। क्या कर रही है, आपके हाथ खराब हो जाएंगे। अरे जिंदगी तो बच जाएगी ना जी। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें मेरी कसम है आज के बाद तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगे। अम्मी मैंने क्या कोई काम खराब कर दिया? नहीं बेटा तुम तो सारे काम बहुत अच्छे करते हो। देखिए मेरी आंखें खुल गई, मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अभी मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? हाँ बेटा चुटकी नोच के देख लो। आपको? मैं आपको। ओके अम्मी। आ! नहीं अम्मी ख्वाब नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। अरे यही तो कह रही हूँ बेटा कि ख्वाब नहीं देख रहे। अम्मी आप सच में मेरे सारे काम करेंगी? हाँ सारे बेटा, बस तुम मेरी लंबी उम्र की दुआ दे दो मुझे। ये मुश्किल है? नहीं बेटा दुआएं देना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं अम्मी मैं कह रहा हूँ ये गोभी काटना मुश्किल है। नहीं बेटा ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर लूंगी, बस तुम मुझे दुआ दे दो। अम्मी क्यों मजाक कर रही है, मैं आपको कैसे दुआ दे सकता हूँ, मुझे तो आपकी दुआओं की जरूरत है। अक्की बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बेटा। अच्छा अम्मी इसका मतलब कि मैं अब आराम कर लूँ, आप काट लेंगे? हाँ हाँ मेरा बच्चा जाओ, सारे काम मैं कर लूंगी, जाओ। ठीक है अम्मी, थैंक यू अम्मी। देखना गिरना नहीं, आराम से जाना, चोट ना लग जाए। अक्की देखो बेबी
आखिर अम्मी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग ही गई। अब वो मेरे हिस्से के सारे काम कर रही है। तो ये ज्यादती नहीं है? मैं अकेला सारे काम कर रहा था, वो ज्यादती नहीं थी। मतलब वो तुम्हारे साथ अच्छा करेंगी तो तुम तभी उनके साथ अच्छा करोगे? मैं उनके लिए ना गिफ्ट खरीद के लाऊंगा, लेकिन उसके पैसे तुम दोगी बेबी मुझे। अरे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, तुम बस अम्मी को दुआ दे देना। दुआ? हाँ, अम्मी की लंबी उम्र की दुआ। नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। कैसा रिस्क? अगर मेरी दुआ कबूल होगी तो अम्मी को लंबी उम्र मिल जाएगी ना। लंबी उम्र मिलने के बाद वो दोबारा वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अम्मी दोबारा वैसी बिल्कुल नहीं होंगी। फरदा, तुम सिर्फ अपने पैसे बचाना चाह रही हो और कुछ नहीं। वैसे मैं नहीं सोच सकता तुम इतनी कंजूस होगी। अरे ये कंजूसी की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, मुझे खुल के बताओ। नहीं बता सकती ना। देखो वरदा, वैसे भी मेरी आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई। मसलन? मैंने दुआ मांगी थी कि अम्मी का जल्दी इंतकाल हो जाए, लेकिन देखो कितनी एपिसोड गुजर गई है, वो आज तक जिंदा है। तुमने अम्मी की मौत की दुआ मांगी थी? मेरे पास और भी दूसरा ऑप्शन नहीं था ना। वैसे दुआ तो एक और भी मांगी थी, वो भी पूरी नहीं हुई। वो क्या मांगी थी? कि अल्लाह करे सुई को कोई अगवा करके ले जाए और सारी जिंदगी उससे कुत्तों की तरह काम करवाए। अक्की? बेबी सिर्फ दुआ ही मांगी थी ना, देखो पूरी तो नहीं हुई। अब प्लीज अक्की, अब तुम वो दुआ मांगो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। वरदा प्लीज, अम्मी ने देखो मुझे आराम करने के लिए यहाँ भेजा, तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। अक्की बेबी देखो प्लीज मेरी बात। नहीं, मेरी आंखें बंद हो रही, आंखें बंद हो रही। वाह वाह वाह, पूरे कपड़े पहन के सन बार। वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम अक्की भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ मुन्ना, तेरी तबीयत तो ठीक है? जी जी अल्लाह का शुक्र। मुस्कुराहट, और वो भी तुम्हारे चेहरे पे, दुनिया ने तो आज पहली बार ही मौजजा देखा है। वो ना अक्की भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चमाटे मारने का? नहीं नहीं अक्की भाई, इतने अच्छे जो आपने हम सबकी खिदमत करी ना, उसका शुक्रिया अदा। कभी ना करता अगर वो सब कॉन्ट्रैक्ट में ना होता तो। अरे वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे बढ़ के, आप बोले तो मैं अभी आपके सामने लाके जला दूं। वाकई? हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना, मैं तुझे अपना सगा भाई समझूंगा। अरे समझ लीजिए आपका काम हो गया, बस अम्मी के लिए जल्दी से लंबी उम्र की दुआ कर लीजिए। अबे हर कोई मुझसे अम्मी की लंबी उम्र की दुआएं क्यों करवाना चाह रहा है भाई? देखिए वो आपके सारे काम भी तो कर रही है ना। अबे उसके बदले में तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं अक्की भाई, आपकी जान बहुत कीमती है, कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ कर दीजिए, वही चाहिए। यार मुझे दुआ देनी नहीं आती। तो जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा कर लीजिए। ठीक है। या अल्लाह मियां। या अल्लाह मियां, मेरी अम्मी को। मेरी अम्मी को? नहीं नहीं आपकी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी को। नहीं नहीं आपकी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी को। अरे क्या बोल रहे हैं, अरे क्या बोल रहे हैं। या अल्लाह या अल्लाह। अरे मैं जा रहा हूँ भाई। हाँ मैं यहीं पर हूँ। वो किसी तौर पर अम्मी को दुआ देने के लिए राजी नहीं हो रहा। हमने तो सारी कोशिशें कर ली हैं। ऐसा जालिम और मक्कार दामाद पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। अरे क्या क्या तदबीरें नहीं आजमाई मैंने उससे माफी मांगने के लिए, मगर वो अल्लाह करे उसको। बद्दुआ मत दीजिएगा वरना आपकी रही सही जिंदगी भी खत्म हो सकती है। ओए अल्लाह। बाबा जी प्लीज प्लीज कुछ करें, हमारी अम्मी को बचा लीजिए बाबा जी। बस अब सिर्फ एक ही रास्ता। क्या? सदका। सदका मौत को भी टाल सकता है। बेटा स्वीट जाओ, फटाफट भाग के जाओ, मेरा पर्स लाओ, उसमें से 25 रुपए आठाने निकाल के मेरे सर से मारो और बाबा जी को दे दो। 25 रुपए आठाने में तो आपकी एक उंगली भी नहीं बचेगी। तो फिर कितना सदका निकालना पड़ेगा भाई? कम से कम 1,00,000 रुपया लगेगा। जान बचानी है, कोई मामूली बात थोड़ी है। 1,00,000? आपकी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। प्लीज अम्मी 1,00,000 रुपए का सदका निकाल के बाबा जी को दे दीजिए। अच्छा बेटा ठीक कह रही हो तुम, अभी लेके आती हूँ। बाबा जी हम 1,00,000 रुपए का सदका निकाल के अक्की से काम तो करवा सकते हैं ना? नहीं, लेकिन ये छोटे मोटे काम तो अक्की खुशी खुशी कर देता है। जब तक तुम लोग अक्की की इज्जत नहीं करोगे, उसको दामाद का दर्जा नहीं दोगे, तुम्हारी अम्मी की जान को खतरा लाहक रहेगा। बाबा जी पूरे 1,00,000 रुपए है, मेरी जिंदगी बचा लीजिए। अम्मी ये बाबा नौटंकी है, ढोंगी है, इसको कोई पैसे ना दे मैं घर के सारे काम करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं मेरे बेटे, तुम आज के बाद कोई काम नहीं करोगे, और अगर बाबा जी को गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें चूंटी की तरह मसल देंगे। अरे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अच्छी तरह से। रे तुम कुछ नहीं जानते, जाओ कमरे में जाके प्लीज जाओ। मैं इस बाबा को छोड़ो। अब बाबा जी इसे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नादान है, ना समझ है, अब हम चलते हैं।
छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। शुक्र अम्मी, जान बच गई। इसका फोन है, अक्की का फोन है। तो अरे अक्की, तेरे सारे घर वाले तो वाकई बहुत बेवकूफ हैं बे, सारे के सारे गधे, किसी को अकल ही नहीं है यार। अबे क्या दिमाग है तेरा, खुदा की कसम मार लिया भाई तुझे, सारे कैसे चक्कर में आ गए, और अम्मा ने तो फौरन 1,00,000 रुपए निकाल कर दे दिए। देख भाई जो बात हुई थी ना, देख उस पे कायम रही हो, आधे पैसे तेरे और आधे मेरे।